हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बहुपद का वाह कैसे किया जाता है। आपको बहुत सरल तरीका में हम समझाएंगे। चलिए वीडियो को तरफ देखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन दिया है नॉर्मल लेवल या हार्ड लेवल, तो सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एक्स प्लस टू डिवाइड करना है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर वन है और यहाँ पे टू लाना है, तो एक्स के पावर वन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक्स के पावर टू हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स के पावर टू हो जाएगा। शुरुआत में दो लाना है इसलिए हम दो डालते हैं पहले, और एक्स के पावर टू लाना है तो एक्स डालते हैं तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स, अब टू में मल्टीप्लाई करेंगे दो से तो दो दूना चार हो जाएगा, प्लस एक्स है तो एक्स भी इसके साथ आएगा, प्लस है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। दोनों एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं इस दोनों एक ग्रुप का है, इसमें से माइनस कर देते हैं कि चार में से तीन घट जाएगा तो माइनस एक्स और प्लस का वन बच जाएगा। शुरुआत में देखिए फ्रेंड, शुरू में हमको माइनस लाना है शुरुआत में, इसलिए हम माइनस यहाँ डालेंगे माइनस। अब एक्स लाना है तो वन डालेंगे और वन से एक्स में गुना करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। टू में वन से गुना करेंगे तो दो एकम दो हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस, फिर माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, दो एक तीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है, थ्री सेल्सफल आ गया और भागफल मेरा हो जाएगा टू एक्स माइनस वन। भागफल हो गया 2x माइनस वन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ x प्लस टू से था, डिवाइड किए 2x प्लस वन, इसका रिमाइंडर आ गया, भागफल आ गया, सॉरी रिमाइंडर आ गया इसका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने चलाएगा आराम से। अब बातों को ध्यान से सुनिएगा, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है एस स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यू थ्री एस स्क्वायर माइनस थ्री एस स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और माइनस का थ्री है, इसको हमको डिवाइड करना है। चलिए भाग करते हैं। सबसे पहले देखिए पावर यहाँ पे दो दिया है, यहाँ पे पावर तीन दिया है, तो ये हमको तीन लाना है। तो यहाँ पे एक्स गुणा करेंगे तो गुणा में घात जुड़ता है, एक्स लिख दीजिए, दो एक तीन हो जाएगा, तो एक्स के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं करेंगे तो इसका दो और एक तीन हो जाएगा। माइनस दो में एक से करेंगे प्लस माइनस माइनस, और दो में एक से करेंगे तो दो एक्स हो जाएगा। अब प्लस फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसका हम चिन्ह चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक प्लस एक और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं इसको तीन में माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर है, इसके बाद टू एक्स है, टू एक्स है। देखिए ये अलग अलग ग्रुप का है, इसको हम पहले उतार देते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये दोनों एक कास्ट एक ग्रुप का है, इसको जोड़ देते हैं पाँच दो सात एक्स हो जाएगा, और माइनस का थ्री है तो माइनस का थ्री उतार देते हैं। शुरू में हमको शुरुआत में माइनस लाना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस डालते हैं, थ्री डालते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही ऑलरेडी, तो इसको सीधा गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर में थ्री से गुणा करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, दो में तीन से करेंगे तो छः हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस प्लस है तो माइनस, ये बेचारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसको करते हैं सोल्व, सेवन एक्स तो उतार दीजिए, सेवन एक्स प्लस का सेवन एक्स और माइनस छः और तीन माइनस नौ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, शुरू में हमको सेवन सेवन लाना है, ऑलरेडी इसका पावर दो है, इसका पावर। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक्स भी रह सकता है, वाई भी रह सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड भी कुछ भी रह सकता है। और अगर आप क्वेश्चन को एक बढ़िया तरह से सोल्व करते हैं तो कोई भी प्रकार का क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वाई के क्यूब प्लस वन, डिवाइड करना हमको वाई के पावर सिक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टेन है। चलिए इसको करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई के पावर थ्री है, हमको वाई के पावर सिक्स लाना है, तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि गुणा में घात जुड़ जाएगा, तो तीन और तीन छः हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको, वाई का पावर सिक्स हो जाएगा, वन में वाई के पावर क्यू से करेंगे तो वाई का पावर क्यू जैसे का तैसे उतर जाएगा। यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये मेरा प्लस और माइनस में, तो इसको कैंसिल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग का है, तो इसको पहले पावर वालों को पहले उतार देते हैं, वाई का पावर थ्री हो जाएगा
और इसको प्लस 3y² को उतार देते हैं, उसके बाद प्लस 10 को उतार देते। दूसरा स्टेप पे जो शेष बचता है सभी डिजिट को आप लिख दीजिए। चलिए अब शुरुआत में हमको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस लाना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस डालते हैं। y का पावर q लाना है तो 1 लिखते हैं, क्योंकि y का पावर q मेरा दिया हुआ है, तो माइनस y का पावर q हो जाएगा। प्लस 1 में 1, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस तो प्लस, फिर माइनस है तो प्लस, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उतार देते हैं 3y², उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये दोनों एक ग्रुप का है तो 10 × 11 हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 11। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर जब कम आ जाए तो समझो ये मेरा शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया और ये मेरा भागफल हो गया। फ्रेंड्स आज हम आपको बता दें कि आज फादर्स डे है, पिता ही एक मनुष्य के जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो उसे अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करता है, उसे आगे बढ़ने की एक क्या करता है, उसे एक प्रेरित करता है, एक प्रेरणा देता है। पिता तो अंदर से बाहर से कठोर लगता है लेकिन अंदर से एक उदाहरण लेते हैं, एक गन्ने की भांति है जो अंदर से अत्यंत कोमल होता है। तो अपने पिता की सम्मान करें, आज पिता दिवस है, पिता दिवस का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।